इसका लाइव डेमो जो हूं मैं आपको देने वाला हूं। हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार आपका दोबारा से बहुत बहुत वेलकम है हमारी आज की लेटेस्ट वीडियो में, जिसका नाम है अल्टीमेट लेटेस्ट टॉय कलेक्शन। तो मैं आज आपके लिए खास तौर पर लेकर आया हूं कुछ ऐसे टॉयज जो कि बहुत सस्ते भी हैं और बहुत सारे कुछ महंगे टॉयज भी हैं, कुछ छोटे टॉयज भी हैं तो कुछ बड़े टॉयज भी हैं और कुछ जो है जलने वाले टॉयज भी हैं, जैसे कि ये लट्टू हमारा, इसके अंदर लाइट भी जलती है। तो चलो यार, आपका ज़्यादा मैं टाइम ना लेते हुए फटाफट से जो है मैं आपको चीज़ें दिखाना शुरू करता हूँ और आज आपको मैं अपना टॉय कलेक्शन दिखाने वाला हूँ। तो फटाफट से जो लोग नए चैनल पे, तो यार चैनल को आज ही सब्सक्राइब करो, बाजू में दिखाई बेल आइकन को दबाओ। तो चलो मैं आपको लेके चलता हूँ सबसे पहले अपने हल्क पे। ये देखो गाइस, ये जो सेट है ये कितना अच्छा लग रहा है, इस पर लिखा हुआ है सॉफ्ट बुलेट ब्लास्टर, यानी कि गाइस ये जो है इसके अंदर ग्रीन वाला पार्ट ये है बुलेट ब्लास्टर, और इसके अंदर ये जो है कुछ डिस्क दे रखे हैं जिसको आप कॉइंस कह सकते हो या चिप्स कह सकते हो किसी भी आसान भाषा में। ये हल्क का मास्क है और ये है एक हल्क की गन जो कि बुलेट ब्लास्टर है। तो चलो हम इसको खोल लेते हैं। देखो इस पर छपा भी हुआ है, थॉर छपा हुआ है, आयरन मैन छपा हुआ है, कैप्टन अमेरिका छपा हुआ है और इस पर शील्ड भी दे रखी है। तो इसकी पैकेजिंग जो है बहुत अच्छी कर रखी है और इन्होंने पीछे से भी जो है इसको बहुत अच्छा बना रखा है, थोड़ी बहुत इन्होंने इंस्ट्रक्शन दे रखी है कि इसको किस तरीके से चलाना है। तो इसको जो है हमने अनबॉक्स कर लिया है और इसको बड़े ही आसान तरीके से मैं निकाल लूंगा। ये देखिए गाइस कितना प्रीमियम लग रहा है ये। ओ माई गॉड गाइस, वाओ यार, दैट्स अमेजिंग गाइस। तो इसमें से जो है हम एक एक करके अपने आइटम निकालने वाले हैं। यार हल्क के मास्क को देखो, मुझे तो इसको देख के एकदम डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि हल्क कहीं अभी ही बाहर ना आ जाए। तो यार गाइस, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं करा तो क्या कर रहे हो यार, फटाफट से जो है आज की इस अल्टीमेट टॉय कलेक्शन वाली वीडियो को लाइक कर दो, ताकि जो है इसको मैं आपको गिव अवे कर सकूं। तो इसको मैं सबसे पहले साइड रख देता हूं मास्क को, उसके बाद जो है मैं निकालता हूं हमारा ब्लड ब्लास्टर। ये देखो गाइस कितना अच्छा लग रहा है ये, और इसको जो है मैं अभी आपको तैयार करके भी दिखाने वाला हूँ। तो इसको भी हम रख देते हैं साइड में। ये है हमारी हल्क वाली गन जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है, और गाइस ये देखो यार इतनी प्रीमियम गन है ना यार ये, और इसको पकड़ने में कितना अच्छा फील हो रहा है मैं क्या बताऊँ आपको। आप इसको सिर्फ महसूस ही कर सकते हो और ये पीछे से खींचना भी पड़ता है। तो इसको जो है मैं अभी आपको अच्छे से दिखा दूंगा कि इसको कैसे यूज़ करना है। ये रही हमारी बुलेट जो हमारे पास बहुत सारी हैं। तो सबसे पहले मैं गन को भी साइड में रख देता हूँ। अब चलते हैं हम अपनी इन डिस्क पे। ये मैंने सारी की सारी निकाल ली हैं और इनको भी हम अपना जो है साइड में रख देते हैं, और ये रही हमारी बुलेट्स जो कि मैं इनको इकट्ठे एक साथ निकाल लेता हूँ। हमारी बुलेट्स ये देखो कितनी प्यारी लग रही हैं गाइस, मैं आपको दिखाता हूँ ऊपर से देखो। ओम एम जी यार, ये क्या है यार, इतनी सुंदर, इतनी ब्यूटीफुल सी। ये देखो हल्क का ग्रीन कलर भी है इसके अंदर, और मैं आपको बता दूं ये जो है एक स्पंज है, यानी कि ये फॉर्म का है, तो अगर ये किसी को जाके हिट होगा तो ये लगेगा नहीं। तो चलो जो मैं हूँ आपको फटाफट से इसका कुछ डेमो भी दिखा देता हूँ। यह हमारी गन और ये हमारी बुलेट, ये जो है इसके अंदर इस तरीके से आपको इंसर्ट करनी है और उसके बाद इसको ऐसे लोड करना है, और जब ये लोड हो जाएगा देन उसके बाद ट्रिगर दबाएंगे तो ये हमारे को शूट कर सकेगा। तो हम जो है शूट करेंगे अपने हल्क वाले मास्क को, ताकि हम हल्क को ही बीट कर सकें। हल्क अब आपको दिखाने वाला है स्मैश करके चीजों को। तो उसके लिए आपको करना क्या है, सिर्फ इतना सा काम करना है, मेरे को आप लोग एक सेकंड दे दो, मैं इसकी ग्रिप को जो हूं फटाफट से बांध लेता हूं अपने कलाई पे, और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसका मैजिक। और टेंशन मत लो, मैं सब कुछ आपके आगे दिखाने वाला हूँ ताकि आपको पता रहे। तो ये देखो ये तो होने वाला है हमारा तैयार। अब इसको बांध लेता हूँ मैं अपनी रिस्ट पे, और उसके बाद दिखाऊंगा मैं आपको इसके अंदर के डिस्क कैसे डालते हैं। मैंने सारी की सारी अपने हाथ में ले ली है, ये देखिए इस तरीके से इसको रखना है, और देन आप इसको अच्छे से बंद कर देना। अब ये बंद करने के बाद जो है ये कुछ इस तरीके से हमारे को लगने वाला है, और अब मैं इसको अपनी रिस्ट पे बांध लेता हूँ। तो ये आप देख ही सकते हैं, इसको मैंने अपनी रिस्ट पे बहुत ही अच्छे से बांध लिया है। अब इसको जो है रैंडमली हम जो है चलाने वाले हैं। ये देखो ये इसके अंदर एक ट्रिगर भी दे रखा है, इससे ट्रिगर से जो हम किसी भी चीज़ को अच्छे से ट्रिगर कर सकते हैं। तो चलो मैं कहीं पर भी रैंडमली इसको करने वाला हूँ ताकि आपको मज़ा आ सके। ये देखो खटैक खटैक
खड़ैक खड़ैक। तो गाइस यार ये बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइंग था, बहुत ज्यादा मजा आया मुझे, तो इससे तो मुझे बहुत ज्यादा मजा आया। तो इसको मैं साइड में रख देता हूँ और ये जो है वापस से मैं आपको कुछ दिखाने वाला हूँ, इतना अमेजिंग और इंटरेस्टिंग सा टॉय जो आज हमारे कलेक्शन में है जिसका नाम है पबजी गन। ये देखिए आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ लेटेस्ट कलेक्शन में पबजी गन जो कि है बैटल ग्राउंड के अंदर। और ये देखो पीछे जो है पैन वगैरह लेके खड़े हुए हैं, इन्होंने तो भाई साहब कमाल ही कर दिया है। और हमारे पास एक नहीं बल्कि दो दो गन है, वाह कितनी ज्यादा अमेजिंग है ये गन। और ये जो है एक स्नाइपर वाली गन है, ऊपर देखो पूरा का पूरा एक बायनोकुलर जैसा बना हुआ है जिसमें कि हम जो है किसी भी अपने टारगेट को बड़े ही आसानी से देख सकते हैं। और हमको दे रखी है एक छोटी सी गन जो कि टॉय गन है जिससे कि हम अपनी जेब में लेके आराम से घूम सकते हैं और हम बड़े ही इससे मजे कर सकते हैं, एंटरटेनमेंट कर सकते हैं। तो किस किस को चाहिए मुझे कमेंट में जरूर बताना, तो इसकी मैं अनबॉक्सिंग करके फटाफट से इसको आपको दिखाता हूं। तो ये आती है हमारी सबसे पहली गन जो कि है स्नाइपर गन। देखो यार क्या क्या कमाल की ये गन है, और इसके अंदर एक ट्रिगर भी दे रखा है जो मुझे काफी ज्यादा लुभा रहा है और काफी ज्यादा इंप्रेस कर रहा है। ये देखो यार कितनी जॉइंट है ये, कितनी बढ़िया सचमुच में, और इसको हाथ में लेके कितना अच्छा फील आ रहा है एकदम असली वाला। तो इसको अच्छे से जो है कोई भी बड़े ही आराम से अपने साथ रख सकता है, और ये खेलने के लिए बहुत ही अच्छा टॉय साबित होने वाला है। तो जिस किसी को भी चाहिए हो तो कमेंट में लिख के अपने नाम के साथ वाव लिख देना, ये मैं आपको गिव अवे कर दूंगा क्योंकि जो है ये सचमुच में बहुत स्पेशल टॉय है। अब इसके बाद जो है मैं आपको दिखाने वाला हूँ इसके साथ आने वाले इसके डार्ट्स दिखाने वाला हूँ जो तीर से होते हैं। ये देखो इसके साथ हमें तीन बड़े बड़े तीर से मिले हैं जिनको हम डार्ट कहते हैं इंग्लिश में, और ये जो है आपको इस तरीके से आगे फिट करने हैं। अब ये जो है अच्छे से फिट हो गया है, तो जब आप इसको अच्छे से दबाओगे तो ये जो है आगे से निकल जाएगा। देखो कहाँ चला गया, वो अपनी मर्जी से कहीं भी चले जाते हैं ये। तो चलो इसको भी लगा के एक बार देख लेते हैं, और इस बार जो है हम इसको नीचे मारेंगे। वाओ गाइस मज़ा ही आ गया कसम से यार, यार इतना ज़्यादा वाओ है यार, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है। और ये लोड करने में जो बाद में ये देखो कैसे गोली की तरह भागती है ना ये, गाइस इस गन ने तो यार कमाल कर दिया, मेरा दिल जीत लिया, मुझे बिल्कुल जो है बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और गाइस अभी तो सिर्फ वीडियो की शुरुआत ही हुई है, सिर्फ मैंने अपने दो ही टॉयज खोल के आपको दिखाए, तब देखो कितना मज़ा आ रहा है। सोचो जब हम टूल किट खोलेंगे बॉब द बिल्डर वाली तब क्या होगा। अरे हाँ यार मेरे को बॉब द बिल्डर से एक चीज़ याद आई, जिस किसी ने भी बॉब द बिल्डर बचपन में देखा हो मुझे वो लोग जरूर बताना क्योंकि भाई मैंने तो बहुत देखा है। ये है हमारी छोटी वाली मिनी गन, ये देखो इसको भी मैंने अच्छे से लोड कर लिया है, और ये देखो कितनी प्यारी लग रही है, ऐसा लग रहा है कोई सचमुच की गन हो। तो चलो इसको भी चला के देख लेते हैं, ठड़ैक वाओ गाइस मज़ा आ गया। तो ये मिनी गन मुझको तो बहुत ज़्यादा पसंद आई यार, ये सचमुच में कितनी छोटी है, देखो प्यारी सी लग रही है कितने हाथ में, एकदम वंडरफुल। तो इसको रख देते हैं हम अपने साइड में। तो यार अब जो है ना मैं आपको दिखाने वाला हूँ एकदम स्पेशल टॉय जो कि आप देख रहे हो साइड में रखा हुआ, हमारे टोनी स्टार्क भैया जो कि बहुत ज़्यादा जगमगा रहे हैं, यानी कि हमारा आयरन मैन। तो चलो इसे उठा लेते हैं। ये आ गया है हमारे सामने जो कि बहुत ही ज़्यादा एकॉस्टिक है, इस पर लिखा भी हुआ है एकॉस्टिक ऑप्टिक टॉयज, यानी कि इसके अंदर वो जो लेंस लगे हैं उसमें से कुछ रोशनियां निकलेंगी और ये डांस करेगा हमारा आयरन मैन भैया। और ये देखिए टोनी स्टार्क भैया हमारे किस तरीके से उड़ते हुए आ रहे हैं मुक्का मारने के लिए, ओ बचो भाई बचो, क्या कमाल का टॉय है गाइस। तो सबसे पहले मैं जो हूँ इसको अनबॉक्स कर लेता हूँ, और ये देखिए टोनी भैया का हार्ट भी बना हुआ है जो उनके सीने पर लगा रहता है। तो अब मैं इसको अनबॉक्स करके इसको सबसे पहले मैं साइड रख देता हूँ ताकि जो है हम इसको अच्छे से देख पाएँ, और इन्होंने साइड में कुछ हमें इंस्ट्रक्शंस भी दे रखे हैं, लेकिन इतना दिमाग हमारे में है कि हमें क्या करना है। सबसे पहले निकलते हैं हमारे आयरन मैन भैया टोनी स्टार्क, क्या बात है दोस्तों। तो टोनी स्टार्क जी को थोड़ी देर के लिए साइड रखते हैं और नीचे से निकालते हैं हम अपना एकॉस्टिक टॉय मशीन। ये देखो यार इसके लेंस कितने अच्छे लग रहे हैं इसके, ये जो इन्होंने दे रखा है ये इसी को ऑप्टिमिक लाइट बोल रहे थे जो कि बहुत अच्छी है यार। और ये सचमुच में यार ये देखो बटन वटन दे रखे हैं इन्होंने, पीछे बैटरी डालने के लिए यानी कि सेल डालने के लिए इन्होंने स्पेस दे रखा है, और ये टायर्स हैं जो कि बहुत नचेगा। अब हम अपने आयरन मैन को इस पर जो है खड़ा कर देते हैं, ये भाई खड़ा हो जा खड़ा हो जा। ये देखो अब हमने अपने आयरन मैन भैया को खड़ा कर दिया, और इसको जैसे मर्जी हम हिला डुला सकते हैं नचा सकते हैं। ये देखो अपनी तो पाठशाला अपनी तो पाठशाला, भाई साहब ये तो रणछोड़ दास से भी आगे निकल चुके हैं। तो चलो इसका लाइव डेमो जो हूँ मैं आपको देने वाला हूँ।
सो गाइस यार, मुझे तो इसको देख के इतना ज्यादा मजा आ गया यार। ये कितना एंटरटेनमेंट वाला टॉय है यार, सचमुच में यार। मैं तो यही कहूंगा कि एक ऐसा स्पेशल टॉय आपके पास भी होना चाहिए, इतना अमेजिंग यार। अगर आप लोग आयरन मैन के फैन हो टोनी स्टार्क के, तो आपको पता ही होगा यार इसमें से कितनी सारी रेनबो जैसे कलर्स निकल रहे थे, क्या लाइट्स निकल रही थी, और इसकी डांसिंग वाव यार। उसको देखने के बाद तो मेरा भी नाचने का मन कर गया। तो अगर ये आप लोगों को पसंद आया हो तो कमेंट में लिख के जरूर बताना, ताकि जो है मेरे को पता चल सके कि आयरन मैन को लोग कितना जानते हैं। तो जो जो लोग जानते हैं वो प्लीज कमेंट करना। तो चलो अब इसको हम यहाँ रख देते हैं। तो ज्यादा देरी ना करते हुए मैं आपके पास आ गया हूँ, और ये देखो ये कौन है जिसके पास मैं आ गया हूँ, तो वो है हमारे पेपा पिग। ओहो माय गॉड गाइस, ये देखो कितने सुपर्ब लग रहे हैं, ये देखो पेपा पिग कितने प्यारे लग रहे हैं, और ये जो है अपनी कार पे सवार होके निकल पड़े हैं। और ये देखिए कितना अमेजिंग साउंड आ रहा है, और इसकी टायर की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, यानी कि पीछे के जब टायर चलते हैं तब ही आगे के चलेंगे, यानी कि इस तरीके से चलेगी दोनों के साथ में। और ये पेपा पिग तो यार इतना क्यूट लग रहा है येलो वाली कार में, ओ माय गॉड, इसको मैं आपको क्या ही बताऊं। अब मैं आपको जो पेपा पिग वाली सेकंड कार दिखा देता हूं, जो कि हमने ले रखी है रेड एंड वाइट कार। तो ये देखो रेड एंड वाइट कितनी प्यारी लग रही है, और ये पेपा पिग कहाँ देख रहा है, अरे इधर देख भाई, लगता है हमें ये रूठा हुआ है। कोई बात नहीं गाइस, लेकिन हमें जो है पेपा पिग की कार बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, जो कि ये कहीं जा रहा है सवार होके। तो अगर आपको भी पेपा पिग पसंद है तो यार आपको पता ही है कि करना क्या है। तो पेपा पिग को हम दोनों को आमने सामने रख देते हैं, ताकि दोनों भाई एक दूसरे को देख के अपना टाइम पास कर सकें। तो मैं आपको एक अलग से और चीज़ दिखाना चाहूँगा, वो है वाटर गेम। तो आज के इस टॉय कलेक्शन में हमने डाली है एक वाटर गेम, जो कि बहुत स्पेशल है। देखो इस तरीके से जो है आपको सिर्फ बटन दबाना है, कुछ भी नहीं करना बाकी, सिर्फ इस तरीके से पुश करोगे तो ये रिंग जो है अपने आप इस स्टिक के अंदर आ जाएगी, जैसे कि सेकंड वाली में आप देख रहे हो। जो भी ये काम सबसे पहले कर लेता वो कहलाता है विनर। और ये जो वाटर गेम है एक म्यूजिक सिस्टम की तरह बनी हुई है, ये देखिए साइड में बने हुए म्यूजिक सिस्टम, और ये बीच में टीवी, और ये बीच में दे रखा रिमोट की तरह दो बटन। तो यानी कि इन्होंने हमें पूरा एक गेमिंग सेटअप बनाकर दे दिया खुद से ही, तो जो कि बहुत अच्छी बात है। तो ये जो है किसी छोटे बच्चे को ही दूंगा मैं, नहीं तो ये मैं अपने छोटे भाई को दे दूंगा, ताकि वो अपने स्कूल में किसी भी फ्रेंड को अपने गिफ्ट कर सके। तो इसके बाद हम आने वाले हैं बॉब द बिल्डर वाली टूल किट पे। तो टूल किट अब जो है मेरे हाथ में है, और मैं इसको कर देता हूँ अनबॉक्स। तो इसको जो है बिल्कुल हमें बारीकी से अनबॉक्स करना पड़ेगा, क्योंकि इस टूल किट में जो है कुछ बिल्कुल नाजुक सामान भी हैं। तो जो है हम इसमें से सबसे पहले हटा लेते हैं एक पिलर को, यानी कि ये जो आप देख रहे हो ये वैसा वाला पिलर नहीं है, खंबे वाला, ये है हमारा प्लास, जिससे कि हम किसी चीज को कट करते हैं, किसी नटवट को भी कस देते हैं कभी कभी। तो ये जो प्लास है ये आपको रियल लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में ये बहुत हल्का है और सिर्फ ये एक टॉय है, आप इसके पीछे से डिजाइनिंग से पता लगा सकते हो। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ये है हैमर, जो कि है हथौड़ी, मुझे बहुत अच्छी लगी। इस तरीके से ठोकना है इस वुडन के अंदर, इसको भी हम रख देते हैं अब यहाँ पर पास में। ये है गाइस हमारा एक स्क्रू ड्राइवर, जो कि बिल्कुल असली लग रहा है। ये है हमारा पेचकस, जिसको कि हम इस तरीके से इस लकड़ के अंदर कसने के लिए तैयार हो जाएंगे, और इसको इस तरीके से हम कस देंगे। और ये जो है हमारे यहाँ कुछ बोल्ट, जिसके अंदर अगर हम चाहें तो हम अपना ये वाला बोल्ट इस नट बोल्ट में इस तरीके से कसने के बाद इसको प्रॉपर एक नट बोल्ट बना सकते हैं, तो ये इस तरीके से ही यूज होगा। तो चलो ये मैं इन तीनों चारों चीज़ों को साइड रख देता हूँ। अब इसमें बची है सिर्फ हमारी दो चीज़, एक है हमारा जिसको हम हिंदी में देसी भाषा में बोलते हैं पाना, और इंग्लिश में बोलते हैं रिंच। दूसरी साइड से किसी भी नट को कसते हैं, और इस वाली साइड से नट को खोल सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है, तो इसलिए ये प्लास्टिक की टूल किट में हमें मिला है। और ये देखो ये बिल्कुल बॉब द बिल्डर की तरह लग रहा है। अगर आपने बचपन में बॉब द बिल्डर देखा है तो कमेंट में यस करके अपना नाम लिख देना, ताकि मुझे पता लग सके कि यार आज भी बॉब द बिल्डर को इतने लोग जानते हैं सचमुच में। तो चलो इस रिंच को भी हम साइड में रख देते हैं। और हमारी जो इसमें आखिरी आइटम निकली है इस टूल किट के अंदर, वो है दोस्तों जब कभी भी कोई कील निकालनी होती है लकड़ में से, तो इस तरीके से इसको अटकाते हैं और इस तरीके से खींचते हैं।
तो ये जो है ये भी बहुत ज्यादा यूजफुल होता है टूल किट के लिए, इसको भी हम साइड रख देते हैं। तो आपने देखा कि इस टूल सेट के अंदर हमें कितनी सारे आइटम्स निकले जो कि सारे के सारे यूजफुल थे। अब मेरे से जो है बिल्कुल भी नहीं रहा जा रहा, तो मैं आपको दिखाने वाला हूं एक ऐसी वॉच जो कि प्रोजेक्टर लैंप वाली वॉच होती है, जिसमें से कि 24 अलग अलग तरीके के शेड्स निकलते हैं। और वो वॉच और कोई नहीं, वो वॉच आती है बैन 10 की तरफ से। तो देखते हैं कि बैन 10 भैया हमारे लिए कौन सा जादू करने वाले हैं आज। तो ये देख रहे हो आप, जितने भी इसके अंदर एलियन दिख रहे हैं जिनसे फाइट कर रहा है बैन 10, ये सारे के सारे 24 हैं। तो ये 24 एलियंस हैं जो कि क्रिएचर्स की तरह ही हैं। तो देखना ये होगा कि क्या हमारे शेड्स में ये निकलेंगे या नहीं। तो चलो देख लेते हैं। और पीछे इन्होंने कुछ जो है हमारे को इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं जो हमें ऑलरेडी पता भी हैं, तो चलो यार इसको इस्तेमाल करते हैं। ये इन्होंने जो एक स्ट्रैप दिया है, बेल्ट दिया, जो कि बच्चे अपने अकॉर्डिंग इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, ये देखो। और ये इजीली निकल भी जाता है। अगर आप कभी चाहो तो इसको अपने फ्रेंड को जो है दे सकते हो, ताकि इस तरीके से फ्रेंडशिप बैंड की तरह वो जो है इसको बांध सके। तो चलो अब इसको हम वापस से लगा देते हैं, नो मोर जोक्स प्लीज। तो यार अब मैं इसको लगा करके आपको दिखाने वाला हूँ। ओ ओ एक मिनट, हमने तो चेक करा ही नहीं कि क्या ये टाइम सही दिखा रही है नहीं। अरे हाँ गाइस, ये तो टाइम सही दिखा रही है। और इस पे देखो लिखा भी हुआ है बैन 10 अल्टीमेट एलियंस। तो यानी कि भाई साहब इसमें 24 के 24 अल्टीमेट एलियंस से फाइट होने वाली है। और ये प्रोजेक्टर देखते हैं। ओ गाइस, इसमें लाइट्स जल रही है ये देखो। और ये नीचे कुछ बना भी हुआ आ रहा है। तो यार ये तो अंधेरे में ही मजा आएगा देखने का। और देखते हैं क्या है। तो ये देखिए, OMG गाइस, ये एक एलियन है जो कि क्रिएचर है। ये देखो यार क्या लग रहे हैं ये हमारे पिकाचू वाले फोन के ऊपर कैसे आ रहे हैं। अभी पिकाचू फोन के पास ही आने वाले हम। ओहो ये देखो यार कैसे कैसे एलियन है ये। इन सब एलियन के साथ जो है फाइट कर चुका हमारा बैन 10। और ये देखो हमारे बैन 10 को क्या लग रहा है। हमारा बैन 10 अपने हाथ पे देखते हैं एक बार हम इस बैन 10 को। ये देखो आप इसको इस तरीके से छोटा भी कर सकते हो और बड़ा भी कर सकते हो। कितना प्यारा लग रहा है ये। और लेकिन नीचे तो बहुत ज्यादा HD में आ रहा है गाइस। ये देखो तो इस तरीके से जो है आप इसको जितनी बार क्लिक करोगे उतनी बार बैन 10 हमारा अलग अलग तरीके से आएगा, क्योंकि इसके अंदर जो है प्रोजेक्टर लेंस लगा हुआ है। तो चलो अब हम अपनी लाइट को जला लेते हैं और उसके बाद मैं आपको पिकाचू दिखाता हूँ। इसको रख देते हैं अब हम साइड में और पिक कर लेते हैं हम अपना पोकेमोन वाला फोन, यानी कि हमारे पिकाचू भैया का। ये देखिए इस पर पिकाचू बना हुआ है, पीका पीका पिकाचू। आपने अगर बचपन में कभी पिकाचू देखा है तो यार जरूर मेरे को बता देना कमेंट में, ताकि मुझे पता रहे कि यार आप लोगों ने भी ये सब देखा है, क्योंकि असली मजे जो है इन्हीं चीजों के थे। ये देखो बिल्कुल रियल है। इसको मैं अपने कान पे लगाता हूँ, ट्रन ट्रन, हेलो हेलो। अरे यार मैं अपनी वॉइस में क्यों बोल रहा हूँ जब इसके अंदर ऑलरेडी नंबर दे रखे हैं, टिंग टांग टंग टांग 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 टांग। और ये पीछे मैं देख लेता हूँ कि इसके अंदर स्पेस, ओ माय गॉड, इसमें तो जो है सेल ही नहीं है इसीलिए बज नहीं रहा था। चलो हम सबसे पहले इसमें बैटरी डालते हैं। ये फटाफट से मैं इसके अंदर बैटरी को लगा देता हूँ और इसको इंसर्ट करने के बाद हम इसको प्ले करेंगे। तो अब प्ले करने का मजा जो है वो आने वाला है आपको बहुत ज़्यादा अच्छा। ये देखो, अरे फोन आ गया, उठा लिया मैंने। हेलो कौन बोल रहे हो? पीका पीका पीका। तो पिकाचू जो है हमारा बोल रहा है, ओ माय गॉड गाइस। बस इसके अंदर जो है एक कमी हो गई है, वो ये कि मैंने शायद इसको थोड़ा सा ज़्यादा खींच दिया इसलिए इसका वायर निकल गया है। आई एम सो सैड, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर ये जो होल दे रखा मैं इसको ठीक कर देता हूँ, आप एक सेकंड दीजिए। तो ये जो है हमने अपने पोकेमोन पिकाचू को वापस से जोड़ दिया है। तो चलो अब इसको वापस से इसी की जगह पे रख देते हैं, नहीं तो जो है हमारा पोकेमोन बॉल के अंदर इसको कैद कर लिया जाएगा। अब इसको रखने के बाद मैं आपको नेक्स्ट टॉय दिखाने वाला हूँ जो कि बहुत ज़्यादा सुपर है, बहुत ज़्यादा अमेजिंग है और जिसकी बहुत ही ज़्यादा डिमांड है। वो है हमारा पॉपेट वाला फिजिट स्पिनर। आप लोगों ने जो है नॉर्मल से नॉर्मल फिजिट स्पिनर्स देखे होंगे, डिजाइनर फिजिट स्पिनर्स देखे होंगे, आपने ऐसे ऐसे स्पिनर देखे होंगे जिनमें लाइट्स जलती है, और आपने पॉपेट भी अलग अलग तरह के देखे होंगे। लेकिन क्या आप लोगों ने इन दोनों का मिक्सचर देखा है? नहीं देखा तो आज पहली बार देख लो। ये देखो कितने सारे मल्टी कलर्स में है इन जो पॉपेट हैं, ये जितने के सारे हैं। इनको इस तरीके से आपको दबाना है, और यार बच्चे इनसे खेलना इतना ज़्यादा पसंद करते हैं ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो आपको बताने से अच्छा है कि आप खुद इसको किसी दिन लेना और तब खेलना। ये देखो अब इसको इस तरफ से दोबारा से वापस से दबा दो, ये देखो वाप इतनी अच्छी आवाज़ आती है ना इसके अंदर से। और ये रहा हमारी स्पिनर की आवाज़। तो देखो यार, मतलब कि इसके अंदर दोनों खेल हो रहे हैं, स्पिन भी कर रहा है ये स्पिनर और इसके अंदर पॉपेट भी है। तो ये अगर आप लोगों के पास नहीं हो रही, आपको चाहिए,
तो जो है आपको कमेंट में करके लिख के बताना पड़ेगा कि ये वाला पॉपेट आपने देखा था या नहीं देखा ऐसा स्पिनर। तो चलो अब हम चलते अपने नेक्स्ट टॉय कलेक्शन में। इतनी सारी अल्टीमेट चीजों के बाद जो है हम एक चीज को कैसे इग्नोर कर सकते हैं, वो है हमारी जेसीबी मशीन जो कि हमारा एक हैवी सा ट्रक है। तो चलो मैं उसको पिक कर लेता हूँ। ये आ गया मेरे हाथ में और ये देखो यार कितना अमेजिंग है गाइस ये। ओ भाई साहब ये तो सच में भाई बहुत ज्यादा वर्किंग अच्छी कंडीशन में है। इसकी लुक देखो, इसका कलर देखो कितना अच्छा है। यानी कि इस तरीके से खोदेगा सारा इसके अंदर मलबा भर के मिट्टी भर के और ये ऐसे फेंक देगा पीछे की तरफ। और ये अंदर ड्राइवर सीट भी दे रखी है, आगे छोटे दो टायर और पीछे भी दो टायर हैं। तो ये जो है मैं आपको चला के दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में, क्योंकि जो है ये जितने भी हमारे टॉयज हैं इनमें से जो चलने वाले हैं उनको मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूँ, यानी कि लाइव डेमो दूंगा। तो चलो तब तक के लिए जो है मैं इस अपनी जेसीबी वाली क्रेन को रख देता हूँ साइड में। तो अब इसके बाद मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक ऐसी चीज जिसके ऊपर आपकी नजर शुरू से ही बनी हुई होगी। ये दोस्तों डिस्पेसिबल मिनियंस 3 पार्ट। तो यानी कि ये जो है तीसरे पार्ट का मिनियंस है, बट एक्चुअल में जो बताऊं ये एक बेबी फोन है जो कि मिनियंस वालों की तरफ से आता है और जिससे कि बच्चे खेलना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। तो मैं ज्यादा देरी ना करते हुए आपको दिखाने वाला हूँ मिनियन। ओ माई गॉड ये इतना फनी लग रहा है ना, मैं क्या बताऊँ, क्योंकि इसकी आइज देखो, ओह माई गॉड यार ये सच में हंसा देते हैं जब भी इनको देखता हूँ। तो इसके बाद मैं इसको निकाल लेता हूँ इसके अंदर से। ओहो ये मिनियंस जो है बहुत ज्यादा क्यूट लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। ये देखो इस पे किसी पे दिल बना हुआ है, किसी पे चांद तारे बने हुए हैं और इसने तो बीच की मांग भी निकाल रखी है। तो इसका हेयर स्टाइल भी बहुत अच्छा है और बहुत ज्यादा फनी लग रहा है ये इस टाइम पे, जो कि मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। ये पीछे जो ये साउंड सिस्टम के लिए दे रखा है इन्होंने और ये दे रखा है बैटरी के लिए। तो फटाफट से हम इसके अंदर दो बैटरी डलेंगी, तो दो बैटरी डाल देते हैं और ये डाल दी है हमने इसके अंदर अपनी दोनों बैटरी। अब ये जो है पूरे तरीके से तैयार है, अब हम इसको करेंगे प्ले और देखना इसके साथ जो है लाइट्स भी जलेंगी। ओ माय गॉड दैट्स अमेजिंग गाइस, ये देखो मिनियंस कितना प्यारा लग रहा है, ये देख रहे हो आप लोग किस तरीके से जगमगा रहा है। कभी फनी लग रहा है तो ये कभी बहुत ज्यादा क्यूट लग रहा है और कभी कभी डरावना भी लग रहा है। इसमें लाइट जल रही है गाइस, इसके जो ऊपर का जो फोन का जो हिस्सा है ये देखिए, जिसमें नेटवर्क पकड़ते हैं सिग्नल पकड़ते हैं, ये जो सिग्नल इसका दे रखा है ये नेटवर्क पकड़ने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। लाइट जल रही है और ये देखो कितना बढ़िया लग रहा है ये मिनियन। तो चलो अब यार ये तो मैंने आपको दिखा दिया, अब चलते हम अपने नेक्स्ट टॉय पे। मिनियंस ने तो बहुत ज़्यादा कमाल कर दिया और इसको देख के मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं इसको देखता हूँ, चाहे मैं इसको मूवी में देखूँ चाहे मैं अपने टॉय कलेक्शन में देखूँ। तो अगर आपके पास भी ऐसा टॉय कलेक्शन है या आप भी चाहते हो आपके पास ऐसा टॉय कलेक्शन हो तो आप टेंशन मत लीजिए, ये सारा का सारा आपका ही हो जाएगा क्योंकि मैं जो हूँ इसको गिव अवे ही करूँगा। तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक मॉन्स्टर ट्रक, ये देखो क्या कमाल का है गाइस, और इसके व्हील्स देखो कितना अच्छा साउंड कर रहे हैं और ये आगे से देख रहे हो कितने ऊंचे हैं गाइस, इसके टायर देखो कितने बड़े हैं, इतनी बड़ी तो ये गाड़ी भी नहीं है, इसीलिए तो इसको मॉन्स्टर ट्रक कहते हैं। और गाइस ये इतना अमेजिंग है, जिसका कलर इतना ग्रीन है तो सोच सकते हो आपके वो कितना ज़्यादा अमेजिंग होगा। इसके ब्रेक्स देखो, इसके अंदर शोकर देखो कितने प्यारे हैं, ये इस तरीके से गाड़ी उछलती है और अपने आप गोल गोल भी घूमती है। तो आप भी अगर ऐसी गाड़ी चाहते हो तो मुझे बता ज़रूर देना। तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट आइटम पे जो कि है हमारा लट्टू यानी कि स्पिनर, और उसके बाद हमारी रह जाएगी एक बैटमैन वाली कार। और इसका एक स्पेशल फीचर है, वो है इसके अंदर लाइट जलती है, वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने लट्टू की तरफ। इसके लिए हमें इसका एक हेड लेना पड़ेगा जो कि है ये, और इसको हमें इसके टॉप पे लगाना है इस तरीके से, और उसके बाद हम इसको 3 बार सिर्फ घुमाएंगे, जस्ट 3 बार इस तरीके से हमें इसको अच्छे तरीके से घुमा देना है और इसके बाद हम इसको कहीं पे भी अच्छे से नचा सकते हैं। वाओ गाइस यार मजा ही आ गया, अमेजिंग गाइस इतना अच्छा था यार, क्या चल रहा था यार, ये देखो ग्रीन कलर रेड कलर ब्लू कलर ऑरेंज कलर, यार इतना अच्छा लगा। इसको देखो, इसको सिर्फ मैंने पुश करा बटन को दबाया था, इतने में जो ये लट्टू जैसे निकला भाई क्या रंग बिरंगी लाइट आ रही थी और इसका म्यूजिक ओए होए कितना प्यारा था यार, मेरे को तो बिल्कुल यार बचपन की सी याद आ गई यार। गाइस जिन जिन बच्चों को ये अच्छा लगा यार जरूर बताना, ये उन्हीं बच्चों के लिए है क्योंकि यार ये लाइट वाले टॉयज जो है ना कसम से मेरा दिल जीत लेते हैं। और इसीलिए लाइट वाले टॉयज से मुझे याद आया दिल जीतने से कि एक लाइट वाला टॉय तो अभी हमारे पास और बचा है
जो कि है हमारा बैटमोबिल, जिसको मैं कहता हूँ बैटमैन वाली कार। और ये कार जो है भाई साहब आती है लक्की नंबर 786। तो जिस भी तो अगर आप लोगों का भी लक्की नंबर 786 है तो मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मैंने सुना है लक्की नंबर 786 जो है बहुत लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये देख रहे हो आप कार की डिज़ाइनिंग कितनी अच्छी है, आगे लिखा हुआ स्काई 786। इसकी हेडलाइट देखो, इसके टायर्स देखो यार, और ये इसके पीछे दे रखे इन्होंने एक रोप, जिसकी वजह से ये बैटमैन वाली कार में लाइट चलती है। ये देखो ग्रीन कलर की लाइट, और ये जो है बैटमैन के विंग्स बने हुए हैं, यानी कि उसके पंख बने हुए हैं। और ये टायर देखो कितने प्यारे लग रहे हैं रेड एंड येलो के कॉम्बिनेशन में। तो चलो इसका भी मैं आपको एक लाइव डेमो दे देता हूँ। ओह माय गॉड गाइस, यार ये दैट्स अमेजिंग यार, वाओ सचमुच में यार, मेरे को तो बिल्कुल यार लग ही नहीं रहा है कि सच में ये इतनी अच्छी लग सकती है, अंधेरे में भी और ये लाइट में भी इतनी प्यारी लग रही थी यार, मैं क्या बताऊं। तो चलो यार इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलूंगा, नहीं तो फिर आप क्या बोलोगे, आपको भी तो बोलना है ना कुछ कमेंट में। तो इसलिए गाइस इसको मैं अब रख देता हूं साइड में। तो ये था हमारी तरफ से आपके लिए आज का अल्टीमेट टॉय कलेक्शन, जिसमें कि मैंने आपको दिखाए सस्ते से लेके महंगे टॉयज, छोटे से लेके बड़े टॉयज, और कुछ ऐसे टॉयज जिनमें लाइट से जलती है। और भाई साहब हल्क वाला जो टॉय था क्या टॉय था यार, और ये पेपा पिग वाला टॉय और मिनियन वाला जो जल रहा था लाइट में, अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग गाइस। तो अगर आप लोगों को भी ये सारे टॉयज पसंद आए हो जेसीबी से लेके पिकाचू तक, तो यार गाइस इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप लोग अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बाजू में दिखाई बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।